मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पौड़ी के लैंसडाउन का दौरा भी करने वाले हैं। सीएम धामी सैनिकों के बीच में दिवाली मनाएंगे। गढ़वाल राइफल्स के हेडक्वार्टर में ये कार्यक्रम होगा जिसमें सीएम धामी शामिल होंगे। अनुपम भारद्वाज और जानकारी देंगे इस पर, लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं कोटद्वार की तरफ। अनुपम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंचेंगे, लैंसडाउन के दौरे पर पहुंचेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां किस तरह से की गई हैं, कितने बजे तक लैंसडाउन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी? देखिए, दीपावली का त्यौहार है आज और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सैनिकों के बीच, जो फौजी हैं हमारे, जो देश की सीमाओं पर रक्षा करते हैं, तो उन्हीं के कुछ सैनिक हैं जो गढ़वाल राइफल्स के जो हेडक्वार्टर है वहां पर सेना की ओर से जो दीपावली एक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है उसमें पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। तकरीबन 9 बजे वो हेलीकॉप्टर से जो छावनी परिषद का जो हेलीकॉप्टर का जो हेलीपैड है वहाँ पर वो पहुँचेंगे और लगभग 9:45 बजे तक वो वहाँ पर रहेंगे। और सैनिक के बीच में जो सैनिक परिवार हैं या जो सैनिक के जो जवान हैं, नए रंगरूट हैं वहाँ पे, उन सब के बीच में वो सेना के जो ये जो दीपावली महोत्सव है, दीपावली कार्यक्रम है, वो शिरकत करने वाले हैं। तो पूरी जो तैयारियाँ हैं वो सैनिक की ओर से कल से ही शुरू कर दी गई थी और कल सुबह ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी प्रोग्राम सेट कर दिया गया था कि उनके आने का प्रोग्राम कंफर्म हो चुका था। तो सेना की ओर से पूरी तैयारी कर जा चुकी है। अब 9 बजे लगभग पुष्कर सिंह धामी लैंस जोन में पहुंचेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अनुपम भारद्वाज। हरिद्वार में भीमगौड़ा बैराज से गंग नहर में पानी छोड़ा गया है। 18 दिनों के बाद गंग नहर में पानी आया है। वहीं हर की पैड़ी पर गंगा जल अभी नहीं आया है। दशहरा की रात गंग नहर बंद की गई थी। यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा हर साल मेंटेनेंस के लिए गंग नहर बंद की जाती है। पुलकित शुक्ला और जानकारी देंगे, हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। पुलकित, इस पर और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि ये भीमगौड़ा बैराज से जो गंग नहर में पानी छोड़ा जाता है वो 18 दिनों के बाद गंग नहर में अब वापस आया है। हर की पैड़ी पर गंगा जल अभी नहीं आया है, इस पर क्या जानकारी है? कब तक हर की पैड़ी पर गंगा जल नजर आना शुरू हो जाएगा? देखिए, धर्मनगरी हरिद्वार की जो पहचान है वो गंगा से है और दशहरा से दीपावली तक हर बार यूपी सिंचाई विभाग की ओर से गंग नहर बंदी की जाती है वार्षिक मेंटेनेंस के लिए। इस बार भी इस क्रम को दोहराया गया था और दशहरा की रात को गंग नहर बंदी कर दी गई थी, जिससे हरिद्वार में हर की पैड़ी और जो गंग नहर है वहां पर जो गंगा की धारा है वो पूरी तरह से सूख गई थी। जब गंग नहर बंदी की गई थी तब भी हमने आपको इसी घाट से तस्वीरें दिखाई थी और तस्वीरें भी दोबारा दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो कल रात गंगा जल में गंग नहर में पानी छोड़ा गया है उससे किस तरह से गंगा की धारा यहाँ पर, सुंदर नीली धारा यहाँ पर बहती हुई नजर आ रही है। और ये जो गंग नहर है हरिद्वार से कानपुर तक जाती है, इसका सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं है बल्कि इकोनॉमिकली भी इसका बड़ा महत्व है क्योंकि बड़े पैमाने पर इससे सिंचाई होती है और बड़े लोगों की इससे कई सिंचाई प्रभावित हो जाती है। तो अब सिंचाई भी पूरी तरह से सुचारू हो सकेगी। हर की पैड़ी पर फिलहाल गंगा जल नहीं छोड़ा गया है क्योंकि अभी कुछ मेंटेनेंस पावर बाकी है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि आज दिन भर में रात तक हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड पर भी गंगा जल छोड़ दिया जाएगा। इतने दिनों, लगभग 18 दिनों की जो गंग नहर बनती रही है उससे पूरी तरह से धर्मनगरी हरिद्वार की जो रौनक थी वो कहीं चली गई थी, लेकिन अब गंग नहर के वापस आ जाने से हर की पैड़ी पर जिस तरह से जल्दी गंगा जल जैसे वापस आ जाएगा तो पूरी तरह से यहाँ पर रौनक लौट जाएगी। जो श्रद्धालु हर की पैड़ी पर पहुंच रहे थे स्नान के लिए उनको भी बैरंग लौटना पड़ रहा था, बिना स्नान के लिए लौटना पड़ रहा था, लेकिन अब पूरी तरह से आस्था की डुबकी श्रद्धालु भी लगा सकेंगे गंगा। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए पुलकित। सीमा पर तैनात आईटीबीपी के जवानों को अब चिकन, मटन, मछली की सप्लाई स्थानीय ग्रामीण करेंगे। इससे दो फायदे होंगे, स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा और सीमांत क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों के साथ आईटीबीपी का संपर्क भी बढ़ेगा। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा की मौजूदगी में इस संबंध में उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के कई मध्य में MOU साइन किए गए हैं। वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत आईटीबीपी के उत्तराखंड में तैनात बटालियन के लिए ग्रामीणों के सेल्फ हेल्थ ग्रुप जिंदा बकरी, भेड़, चिकन और मछली की आपूर्ति करेंगे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा है कि राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आईटीबीपी ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका में कार्य करेगा। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर चर्चा के बीच में उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की
विवादित जमीनों का मसला भी गर्मा गया। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की हजारों करोड़ की लागत की बेशकीमती जमीनों पर भूमाफिया कब्जा कर चुके हैं और हजारों करोड़ की जमीनें निशाने पर हैं। लिहाजा वक्फ बोर्ड ही इन घपले घोटालों की सीबीआई जांच की मांग उठाने लगा है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के पास प्रदेश भर में इतनी तादाद में परिसंपत्तियां हैं जिनका ठीक से हिसाब किताब भी वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। वक्फ बोर्ड की बेशकीमती दर्जनों जमीनों पर रसूखदार अपना कब्जा जमा चुके हैं। कई जमीनों के तो रिकॉर्ड ही गायब कर दिए गए हैं, तो दर्जनों जमीनों का विवाद अभी भी कोर्ट में चल रहा है। वक्फ बोर्ड विधेयक में संशोधन के लिए गठित जेपीसी के सामने भी ये मामला उठा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने प्रस्ताव रखा कि वक्फ की विवादित जमीनों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। कई मुस्लिम नेता भी इसी बात का समर्थन करते हैं। गरीबों का हक था, मजलूमों का हक था, यतीमों का हक था, लेकिन वो हक कुछ अमीरों ने दबा के वो बैठे हैं और खुलेआम उन जमीनों की फर्जी तरह से खरीद फरोख्त करते चले आ रहे हैं। ऐसी जमीनों की सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड हमने माननीय केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी से भी की है और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी हमारा अनुरोध है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बहुत बड़ा बंदरबाड़ औकाफ की जमीनों में हुआ। उत्तराखंड सरकार वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उनकी जांच कराए, क्योंकि कुछ लोगों ने जो भूमाफिया है वक्फ बोर्ड के अधिकारियों से मिलकर वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं उनको खुर्द-बुर्द कर दिया है। अब आपको लिस्ट दिखाते हैं जहां वक्फ की जमीनों पर कब्जा हो चुका है। लालकों में लाल मोहम्मद बंजारा जमीन पर 45 परिवार कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं। प्रेमनगर देहरादून में कब्रिस्तान की 14 बीघा जमीन पर भी विवाद चल रहा है। मसूरी में अंडा खेत में 65 बीघा जमीन पर कब्जा हो चुका है, मामला कोर्ट में है। अलल औलाद संपत्ति मसूरी में भी 20 से 25 दुकानें कब्जा कर बना दी गई हैं। दरगाह पिरान कलिया रुड़की में 250 बीघा जमीन विवादों में है। चकराता रोड देहरादून में मजार खुदा बख्श की जमीन पर कब्जा हो चुका है। वक्फ बोर्ड के हजारों करोड़ की परिसंपत्तियों पर भू माफिया की नजर बनी हुई है। वक्फ बोर्ड में समय समय पर आए अधिकारियों ने भी भू माफिया से मिलीभगत कर वक्फी संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वक्फ बोर्ड के अधीन जो जमीनें हैं, इन जमीनों का मकसद था कि इनको भूमिहीन गरीब और जरूरतमंद मुस्लिम परिवारों को दे दिया जाए ताकि वो वहाँ पर अपना रोजगार कर सकें, अपना रहने का ठिकाना बना सकें। लेकिन समय समय पर वक्फ में जो बोर्ड गठित हुए, इन बोर्डों में बैठे रसूखदारों ने सरकारों से मिली भगत कर वक्फ बोर्ड की हजारों करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीनों को खुर्द-बुर्द कर दिया। आप देख सकते हैं ये तमाम जो दुकानें, जो कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है, ये कभी वक्फ बोर्ड की जमीनें थी, लेकिन समय के साथ साथ इन जमीनों पर कब्जे कर दिए गए। यही कारण है कि अब इन जमीनों की सीबीआई जांच की मांग उठने लगी है। हालांकि इसका विरोध भी हो रहा है, लेकिन आप यकीन मानिए, यदि इन जमीनों की सीबीआई जांच होती है तो देश के एक बड़े भूमि घोटाले से पर्दा उठ सकता है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि श्रीनगर के पास में कीर्ति नगर से लापता नाबालिग लड़की को पुलिस ने सकुशल यूपी के नजीबाबाद से बरामद कर लिया। साथ ही पुलिस ने तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों आरोपी सलमान शान मलिक और राकेश भट्ट को कोर्ट में पेश भी किया है। मामले में एक और आरोपी का नाम सामने आ रहा है, इसकी गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है। मंगलवार को नाबालिग लड़की के गायब होने की खबर के बाद धर्मांतरण के लिए उकसाने का मामला भी सामने आया। अभी सूचना पर कीर्ति नगर के लोगों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने पहले तो कीर्ति नगर कोतवाली का घेराव किया और फिर बाद में समुदाय विशेष के लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ की गई। आपको नजीबाबाद से रिकवर कर लिया गया और जो भी संदिग्ध अभियुक्त था, जो मुख्य अभियुक्त सामने आया, इसमें सलमान और एक और इसका जो साथी था, जो इसका भाई है, उसको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के जो एनालिसिस था उससे पता चला है कि लड़की को भगाने में जो एक स्थानीय युवक था राकेश भट्ट, उसके द्वारा भी सहयोग किया गया है और उसको भी साथ में गिरफ्तार किया। उत्तरकाशी में जनाक्रोश रैली के दौरान हुए बवाल में स्टील की बोतल और पथराव करने वालों की पुलिस ने फोटो जारी कर दी है। हालांकि फोटो साफ नहीं है, इसके लिए पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद भी ले रही है। पुलिस ने फोटो जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि अगर इस संबंध में कोई जानकारी हो
तो पुलिस को फौरन बताएं। पुलिस लगातार उपद्रवियों की पहचान कर रही है, इसके लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद भी ली जा रही है। साइबर ठगों के नए नए पैंतरे सामने आते हैं। साइबर ठगों के नए पैंतरों में फंसकर अब जनता मेहनत की अपनी गाड़ी कमाई को कमा रही है। अब इस समय सबसे ज्यादा मामले डिजिटल अरेस्टिंग के आ रहे हैं, जिसमें साइबर अपराधी गिरफ्तारी का डर दिखाकर लोगों की गाड़ी कमाई को हड़प रहे हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। इन दिनों डिजिटल अरेस्टिंग के नाम पर लोग ठगी का शिकार बन रहे हैं। आलम यह है कि साइबर अपराधियों ने बीते 6 महीनों में ही उत्तराखंड के 63 से ज्यादा लोगों के साथ 30 करोड़ रुपए की ठगी की है, जिनमें सबसे ज्यादा देहरादून के 40 लोग शामिल हैं, जो साइबर ठगी का शिकार हुए हैं। डिजिटल अरेस्टिंग के 63 मामले दर्ज, साइबर ठगों ने 30 करोड़ 50 लाख रुपए ठगे, देहरादून में 40 लोगों के साथ हुई ठगी, अभी तक 7 आरोपी हुए अरेस्ट। अब इसमें अमूमन क्या होता है कि कोई भी विक्टिम जो होता है उसको कहा जाता है कि आपको बोलेंगे कि कोई व्हाट्सएप पे आपको संपर्क करेगा और बोलेगा कि आपके खिलाफ कोई एविडेंसेस आए हैं, कोई पार्सल पकड़ा गया है, और उसके बाद वो पैसे की मांग करता है, और जिस क्रम में आदमी को कहा जाता है कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया गया है, जब तक आप इतना पेमेंट या भुगतान नहीं करोगे तब तक आप इस रूम से या इस कैमरे के सामने से नहीं जा सकते। दरअसल डिजिटल अरेस्टिंग मामलों में साइबर ठग गिरफ्तारी का डर दिखाकर सामने वाले को घर में ही रहने को मजबूर करते हैं, अपने वीडियो कॉल के बैकग्राउंड को किसी पुलिस स्टेशन की तरह बना लेते हैं। वीडियो कॉल करने वाले लोग भी पुलिस की वर्दी में ही होते हैं। इसके बाद वो झूठे आरोप लगाते हैं और जमानत की बातें कहकर पैसे ठग लेते हैं। अपराधी इस दौरान पीड़ित को वीडियो कॉल से हटने भी नहीं देते हैं और ना ही किसी को कॉल करने देते हैं। जिस क्रम में आदमी की मानसिक जो कह सकते हैं, जो उसकी कह सकते हैं मनोदशा होती है, जिसमें इतना ज्यादा प्रभावित हो जाता है कि वो लाखों से करोड़ों रुपए देने लग जाता है, और बाद में जब पैसा दे चुका होता है और जब वो किसी और व्यक्ति से पूछता है, तब उसे समझ में आता है कि ये जो डिजिटल अरेस्ट वाला स्कैम है वो उसी का शिकार हो गया है। तो जिस क्रम में लगातार हमारी जो साइबर पुलिस है, लगातार हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें काफी लोगों के पैसे भी हमने बचाए इस स्कैम में, बट हमारा सबसे जनता से यही अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसमें जागरूकता फैलाएं। डिजिटल अरेस्टिंग से पूरा देश आज त्रस्त है और इसका जिक्र पीएम मोदी भी कर चुके हैं, लेकिन इस अपराध से निपटने के लिए सावधानी ही बचाव है। अगर आपको डराने या धमकाने का कोई ऐसा कॉल आता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें और ऐसे में कभी दबाव में ना आएं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। बढ़ते आगे पिथौरागढ़ से खबर जानिए, जहां पर एसपी ऑफिस में बजेटी के ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। असल में ग्रामीण यहां पर मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर पहुंचे थे। बीते दिनों बजेटी में चोरी की एक घटना हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर एक महिला को थाने में ले जाकर पूछताछ की। ग्रामीणों का आरोप है कि पूछताछ के दौरान पुलिस कर्मियों ने महिला के साथ मारपीट भी की है, जिस कारण महिला को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। एसपी का कहना है कि अगर थाने में मारपीट हुई है तो नियमों के मुताबिक कार्रवाई भी की जाएगी। तो बेरहम तरीके से खाली मतलब बिना सबूत के उस महिला कर्मी ने मारा है, तो हमको उसके खिलाफ मतलब अभी एक्शन लेना है, उसको डिसमिस कराना है। उसने खाली क्यों मारा, एक गरीब औरत को जो दूसरों के घर में बर्तन धोके अपना गुजारा कर रही है।